एटी टेलीकॉम की तरफ से कल के डेट में खबर आता है कि सीओएआई ने ऐसा प्रपोज किया है जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ कि आने वाले टाइम के अंदर एक महीने तक आपको किसी भी जो वर्कर्स हैं लेबरर्स हैं उनसे कोई भी चार्ज लेना नहीं है और उनके जो वैलिडिटी है उनको एक्सटेंड करना है। अभी सिचुएशन इस प्रकार से है कि वो लोग समर्थ नहीं है और इंडिया के अंदर आप अगर रह रहे हैं सिचुएशन इतना खराब है तो आपको उनकी मदद करना जरूर बनता है। देखिए इसी बात को लेते हुए टेलीकॉम टॉक ने भी खबर चलाई और ईडी टेलीकॉम के ऊपर से फिर से खबर आया और बताया गया टेलीकॉम टॉक में कि जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस की उनके द्वारा बोला गया कि इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स को फ्री किया जाए कुछ टाइम के लिए और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो लेबरर्स हैं जो वर्कर हैं माइग्रेंट वर्कर्स वो लोग फंसे हुए हैं बहुत जगह बाहर बाहर और उनके पास डेली वेजेस के रूप में कुछ पैसा नहीं आ रहा जिसके कारण से वो लोग कुछ रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं अपने नंबर्स को रिचार्ज नहीं कराने के कारण वो लोग जो अपने नियर और डियर वंस हैं उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोशिश ये करनी है जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं कि वो लोग अपने जितने भी चार्जेस हैं उनको रोकें और जो एक्सटेंशन का पीरियड है उसको दें। ये अगर होता है तो उससे फायदा उन्हीं को नहीं बल्कि देश हित में होने वाला है। उनके लेटर में ये भी बोला गया कि अभी जिस हिसाब से देश क्राइसिस से गुजर रहा है उस हिसाब से हम लोगों को देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए और मदद करने का सबसे आसान और सही तरीका यह है कि आप लोगों को अपने जो प्रीपेड प्लान है या जो भी रेट आप लोग लेते हैं उनको आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और हो सके तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स को। और रिपोर्ट्स आई हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं। अब प्रियंका गांधी जी के द्वारा जैसा कि बोला गया कि फ्री कॉल्स को पुश किया जाए और फ्री कॉल को दिया जाए तो आप सभी को मालूम होगा कि अभी कोविड-19 के कारण देश के अंदर लगभग 1200 केसेस हो चुके हैं और जिस हिसाब से तरक्की हो रही है केसेस के अंदर वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और उसको देखते हुए अभी 14 दिन के लॉकडाउन में बहुत सारे जगह पे लोगों को रखा जा रहा है जहां पे क्वारंटाइन किया जा रहा है तो जो मोबाइल है वो बहुत जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने यह अब विचार बनाना शुरू किया है कि आपको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। इसके बारे में बात चल रही है, आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना कुछ इसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकल के जरूर आएगा। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि जियो की तरफ से जो 2 GB डाटा दिया जा रहा था तो उसके ऊपर काफी लोगों के द्वारा असहमति जताई गई कि हम लोगों को नहीं मिला है। देखिए बात यह है कि एक साथ जियो सबको डेटा नहीं दे रहा है। फिलहाल 1 अप्रैल तक का जो प्लान है वो हो सकता है कि फेज मैनर में आया हो। कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह हो सकता है कि पर्टिकुलर लकी ड्रॉ करके उन्होंने कस्टमर्स को सिलेक्ट किया हो, उनको मिल रहा हो। मुझे मिला हुआ है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत लोगों को मिला हो जिन्होंने कमेंट भी किया हुआ है। तो आप लोगों को अगर नहीं मिला तो थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है कि 1 अप्रैल के बाद आप लोगों को मिले। और एक साथ लोग सबको फ्री में नहीं देना चाहते कि इंटरनेट ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लग जाएंगे और डेटा कंजम्पशन ज्यादा होने लगेगा। हो सकता है कि 1 अप्रैल के बाद एक नया फेज में नए लोगों को दिया जाए और जो पुराने लोग हैं उनको ना दिया जाए। तो अभी फिलहाल उसके ऊपर जो भी बात निकल के आएगी मैं आप लोग को जरूर लेके आऊंगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वोडाफोन आइडिया ने अपने कुछ प्लान के अंदर बदलाव किए हैं और अपनी वैलिडिटी को बढ़ाया है, तो जरा रिचार्ज करने से पहले देख जरूर लीजिएगा। एयरटेल के अंदर बताया जा रहा है कि आपको अगर रिचार्ज करना है तो जो कूपन है उसका इस्तेमाल करके आप किसी और नंबर को भी रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी आप काम कर सकते हैं। तो तकनीकी साहब पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन की आने वाले टाइम के अंदर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।